गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 6 मंथ्स एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली के केस में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आज हम देखते हैं, और मंथ्स को आपको ईयर में चेंज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या है, 25,000। नेक्स्ट आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें गिवन है 8%, बट यहाँ पे क्वार्टरली लिखा हुआ है तो 8% ये पर एनम है, इसको क्वार्टरली में आप कैसे चेंज करेंगे, 8% को आप 4 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2% पर क्वार्टर। अब आप पर एनम नहीं लिखेंगे, पर क्वार्टर। टाइम हमें गिवन है यहाँ पे 6 मंथ्स। मंथ्स को आप ईयर में चेंज करेंगे कैसे, 6 को आप 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, आप 6 को 12 से डिवाइड करेंगे, ईयर्स आ जाएगा। और हमें यहाँ पे ये क्वार्टरली मेंशन है तो आपको टाइम को क्वार्टर में चेंज करना होगा। क्वार्टर में चेंज करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वार्टर हमें गिवन है, और इसको आप, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 2 क्वार्टर्स। अब आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे फॉर्मूले में, हमने क्वार्टरी जो है क्वार्टरली के अकॉर्डिंग आर और टाइम की वैल्यू चेंज की है, टाइम को मंथ्स में था तो उसको ईयर में पहले चेंज किया, उसके बाद क्वार्टर में चेंज किया 4 से मल्टीप्लाई करके। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमें गिवन है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 2%, टाइम आया 2 क्वार्टर, ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम आपको लेना है। अब यहाँ पे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें अमाउंट का वैल्यू मिल जाएगा। अमाउंट आने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, और ये 5 से कैंसिल, 5 2 10, और ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 26010। ये अमाउंट आया, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करनी है। तो आपको ये याद रखना है, अगर हमें हाफ ईयरली गिवन है, जैसे इसमें देखो यहाँ पे हाफ ईयरली गिवन है, इस केस में आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3/2। 3/2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर हमारा 3 हाफ ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद 9.2 देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाने हैं। आप देखो इसमें भी हमें 3 टर्म्स गिवन है, और यहाँ भी 3 टर्म्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे जो लास्ट वाली टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 16 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 2 का स्क्वायर है। अगर जो लास्ट वाली टर्म है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट अगर लास्ट वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 25 की जगह यहाँ पे 24 हो या 26 हो, उस केस में हमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये 10th और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो 21 है, 21 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आपको 1 से 20 तक की सारी स्क्वायर वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, अप टू 1 से लेके 20 तक की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये वैल्यूज़ याद होगी, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर लास्ट वाली टर्म इस टाइप से है, स्क्वायर के फॉर्म में किसी नंबर का स्क्वायर है, उस केस में आप फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे, बट अगर लास्ट वाली टर्म इस फॉर्म में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21,
सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सम है और ये क्या है प्रोडक्ट। सम हमें क्या गिवन है 10, प्रोडक्ट हमें गिवन है 21। जो लास्ट वाली टर्म है वो आप लिखेंगे, लास्ट वाली टर्म के आप फैक्टर्स बनाएंगे, क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 21 into 1 और क्या हो सकता है, 21 और किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है, 7 into 3 और किसी टेबल में 21 नहीं आता, ये दो ही फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड प्लस का साइन है, प्लस प्लस, तो आपको ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करके आपको 10 मिल जाए, ठीक है। अगर दोनों साइड प्लस है तो आप फैक्टर्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 21 को और 1 को ऐड करेंगे 22 मिलेगा, बट हमें तो 10 चाहिए, 7 और 3 को ऐड करके आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, आप ये टर्म ना लिख के आप ये फैक्टर्स लिखेंगे 7 और 3, कैसे लिखेंगे 7x + 3x, ठीक है, इनको ऐड करना है। अब लास्ट वाली टर्म लिखेंगे 21, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की दो टर्म से x कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर आ जाएगा यहाँ से भी और एक यहाँ से, यहाँ एक सिंगल x बचेगा प्लस ये 7, ठीक है, क्योंकि x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब इन दोनों टर्म्स आप क्या कॉमन लेंगे, 21 के फैक्टर्स हमने क्या यूज़ किए, तो आप साइड में लिख सकते हैं 7 into 3। अब आपने बाकी दो टर्म से 3 कॉमन ले लिया, 3 यहाँ भी और यहाँ है, 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, 21 के फैक्टर 7 into 3 है, 3 हमने कॉमन ले लिया। अब x plus 7, इसको आप बाहर लिखेंगे एक बार, फिर x + 3 बची हुई टर्म लिखेंगे, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। ये क्या है प्लस के केस में, ठीक है, प्लस के केस में हम लास्ट वाली टर्म के फैक्टर्स बनाएंगे और देखेंगे कौन सी दो वैल्यूज़ को ऐड करके हमें 10 मिल रहा है, ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड टाइप क्या है, अगर सपोज यहाँ पे माइनस साइन होता, x² - 10x + 21, उस केस में आप कैसे सॉल्व करते, ये तो सम है, ये प्रोडक्ट है, सम हमें गिवन है -10, प्रोडक्ट है 21, फिर से आपको जो लास्ट वाली टर्म है उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, दो ही फैक्टर्स हैं इसके, अभी चेक किया था हमने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर सेकंड टर्म में माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, उस केस में जो फैक्टर्स हैं उनको ऐड ही करेंगे, बट आप दोनों के साथ माइनस साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर पहले माइनस है फिर प्लस है, उस केस में जो 21 के फैक्टर्स हमने बनाए, अब हमें ऐसे दो इनमें से चेक करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हमें 10 मिल जाएगा, तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है, बट यह माइनस साइन है इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस साइन यूज़ किया, -7x - 3x + 21 कॉमन लेना है जैसे आपने पहले किया था, यह माइनस साइन आएगा, 3 कॉमन आएगा, x बचेगा बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड टाइप क्या है, थर्ड में क्या होगा, ये वाली टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, उस केस में कैसे सॉल्व करना है, सपोज हम एक दूसरा डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये पहले प्लस है फिर माइनस है, उस केस में आपको पहले लास्ट वाली टर्म के फैक्टर बनाने हैं, सम हमें गिवन है 11 और प्रोडक्ट गिवन है 60 के क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 10 into 6 बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं, 60 into 1, और ये 12 के टेबल में आते हैं, 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 20 3 ज़ा 60, 30 2 ज़ा 60, इतने सारे फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ पे पहले प्लस है और फिर माइनस है, तो मुझे वो फैक्टर्स चाहिए जिनको मैं यहाँ पे आपको माइनस करना है, फैक्टर्स को कौन से दो फैक्टर्स को माइनस करूँ जिससे मुझे 11 मिल जाए, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, नहीं ये भी नहीं होगा, 60 में से 1 माइनस किया 59, मुझे तो 11 चाहिए, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ये भी नहीं। अब ये देखो 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, तो आप ये वाले फैक्टर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, और आपको इसमें छोटी वैल्यू के साथ माइनस साइन यूज़ करना है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन, तो कैसे लिखेंगे, x² + 15x - 4x, ठीक है, ये वाली टर्म हट जाएगी, इसकी जगह ये वैल्यू आएगी -60, फर्स्ट और लास्ट टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे,
स्टार्टिंग की दो टर्म्स हमने x कॉमन लिया, x प्लस 15 बचेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन लिया, 60 के फैक्टर्स क्या हमने यूज़ किए, 15 इंटू 4, तो आपने ये 4 बाहर कॉमन ले लिया, x बचेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये 15 बचेगा, तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। लास्ट टाइप क्या है, अगर आप दोनों ही जगह माइनस साइन हो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, अब एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो सम यहाँ पे क्या है, माइनस वन, माइनस वन, प्रोडक्ट क्या है, 42, ठीक है, माइनस साइन हम नहीं देख रहे, 42, अब 42 के फैक्टर्स बनाइए, क्या क्या हो सकते हैं, 14 इंटू 3, 14 थ्री ज़ा 21, और क्या हो सकता है, 21 इंटू 2, 21 टू ज़ा 42, 7 सिक्स ज़ा 42, ये तीन फैक्टर्स आए हैं, यहाँ भी आपको इन फैक्टर्स को माइनस करना है, ठीक है, यहाँ पे हमने फैक्टर्स को ऐड किया, बाकी दो केसेस में माइनस करना है, अब कौन से दो फैक्टर्स को माइनस करूँ जिससे मुझे 1 मिल जाए, 14 को 3 में से माइनस करेंगे 1 नहीं आएगा, 11 आएगा, 21 में से 2 माइनस करेंगे 19 आएगा, ये वाली वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, 7 में से 6 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो मुझे ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है, बट मुझे यहाँ माइनस साइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन यूज़ करूँगी और छोटी वैल्यू के साथ प्लस साइन, तो यहाँ क्या आएगा, 7x प्लस प्लस साइन यूज़ करना है, 6x माइनस 42, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, x कॉमन ले लिए, x माइनस 7 प्लस 42 के फैक्टर्स बनाइए, 6 7 ज़ा, तो ये 6 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये मैंने 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए, एक में पूरा प्लस में है इक्वेशन, इसमें पहले माइनस है फिर प्लस है उसको कैसे सॉल्व करना है, फिर प्लस से फिर माइनस है उसको कैसे सॉल्व करना है, देन ये, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इस टाइप से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है।